ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भिलाई के श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल में एक मरीज के मौत के बाद जनप्रतिनिधि और परिजनों ने बुधवार को अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल भिलाई में लगातार डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हो रही है। आए दिन श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल भिलाई में डॉक्टरों की लापरवाही आ रही है। कुछ ऐसे ही मामला बुधवार को देखने को मिला, जहां दो दिन पहले भिलाई निवासी महेश यादव को सीने में दर्द की शिकायत पर शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान मरीज का पेसमेकर बदलने के बाद मरीज की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी और अचानक कुछ घंटों बाद फोन पर महेश यादव की मौत की सूचना परिजनों को दी गई, जिससे बौखलाए जनप्रतिनिधि और परिजनों ने दो दिन बाद शंकराचार्य हॉस्पिटल भिलाई का घेराव कर दिया। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई है। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर डटे रहे, लेकिन चार घंटे के प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए मृतक महेश यादव के बेटे के संपूर्ण एजुकेशन की जिम्मेदारी ली। सर, अंदर मीटिंग हुआ, मीटिंग में उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे, प्रशासन बात करेंगे, जो करना होगा करेंगे बोले वो। अभी एक घंटे का टाइम दिए थे उनको, अभी कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। हम क्या हुआ था उनको, 10 साल पहले पेसमेकर लगा था, उसका टाइम होने वाला था, बस एक महीने ही बचा था, उनको चेंज करना था। डॉक्टर बोले कि इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उनको सोमवार को एडमिट करवाया। जांच हुआ, सब रिपोर्ट क्लियर था, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं था, सब रिपोर्ट नॉर्मल था। तो फिर उनको कल ऑपरेशन के लिए 1 बजे ले गए, फिर उसी ऑपरेशन में चलते चलते गए सामने से, फिर उनके पास क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर 1 घंटे बाद बताया मेरे को कि उनका सांस बंद हो गया, दर्द हो गया करके। आज क्या बात हुई? आज हमारी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, बट मेरे एजुकेशन के लिए बात हुआ, वो पढ़ाई लिखाई की। वही परिजनों के साथ प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 4 घंटे बाद श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए मृतक के बेटे के एजुकेशन का खर्चा देने के लिए राजी हुए। शंकराचार्य हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया है वैसे, है ना, कि जो भी गलती हुआ हम दोबारा इसको नहीं करेंगे, और ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया ऐसा उनका बोलना था। और हमारी यही मांग थी कि बच्चों को लेके, क्योंकि अभी उनके और कोई है ही नहीं कमाने वाले, सिंगल उनके पिता का ही भरोसा पूरा घर चल रहा था, और उन्होंने एग्री किया तभी तो उन्होंने बच्चों को जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए उसके लिए उन्होंने गलती मानते हुए इसको स्वीकार किया है। देखिए, हमारी सहमति इस विषय पर बनी है, कल से हम लोग यही बोल रहे थे कि उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। गलती इंसान से होती है, अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करके शंकरा के मैनेजमेंट ने और यहाँ के जो है डॉक्टर रत्नानी जी ने बच्चे के एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है और वो एग्रीमेंट पे अभी दोनों पक्षों का साइन होगा, उसमें मेरी गवाही भी रहेगी, और बच्चा जितना पढ़ेगा उसको पढ़ाया जाएगा। उसी के लिए आज दिन भर जनता यहाँ बैठी रही पूरी धूप में, और जनता की ये जीत है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जीत है कि उन लोगों ने डट के यहाँ पर, पहला, आप जैसे पत्रकार देख रहे होंगे कि पहला ऐसा मामला है जो न किसी कलेक्टर के पास जाना पड़ा, न किसी SP के पास, न किसी न्यायालय में, स्पॉट द फैसला हुआ है, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बच्चे का भविष्य ही हमारे लिए सब कुछ था, इसलिए बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए। फिलहाल भिलाई के श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल में आए दिन लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि अस्पताल प्रबंधन पर निगरानी रखते हुए इन जैसी शिकायतों का जल्द निराकरण करने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।